फक्त मराठी टीव्ही यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज सगळ्यात आधी बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. राम राम मंडळी. आज मी एका अशा माणसाला भेटायला आलो ज्याला भेटण्यासाठी मला गावातल्या कुणीच आग्रह केला नाही, मी स्वतःहूनच आलेलो आहे. कारण माझं स्वतःचंच त्या माणसावर तेवढं प्रेम आहे, कारण त्या माणसाची भाषा आपल्यासारखीच खेड्यातली आहे. तो माणूसही असाच कुठून तरी धडपडत कष्ट करत करत इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. पण ज्या दिवशी तो यशस्वी झाला त्या दिवशी म्हणजे त्याची स्पीड कुणी थांबू शकणार नाही अशीच आहे, ती आस्ता गायत. त्याला फक्त एक यशस्वी पाऊल टाकण्याची गरज होती, ते त्याने टाकलं आणि नंतर त्याच्या गतीला आता कुणी चाडवू शकत नाही. त्या माणसाला पाहिल्यानंतर मरणारा माणूससुद्धा हसलो आणि हॉस्पिटलमधला पेशंट पण खदा खदा हसत घरी जाला औषध उपचार न करता. म्हणजे देवाने पाठविलेले अशी माणसं असतात जे कुणाच्याही चेहऱ्यावर कुठल्याही क्षणी हसू आणू शकतात. अशा व्यक्तीमधला आजचा आपला पाहुणा आहे ज्याला मुद्दा मी स्वतःहून आबराव झगडे भेटायला आलोय. भेटायचं का त्याला? राम राम राजू साहेब. राम राम अबू भाऊ. राम राम रसिको. काय इकडे काय काय आणलंय माझं? नाही तुमच्यासाठीच आणलेलं आहे. फारच मोकळेपण आहे त्यांचा. नाही पण आपल्या गप्पा झाल्यावर तुम्हाला देणारच आहे मी नंतर. हा ओके. पण कसं आहे, मला काही गोष्टी तुमच्याकडनं माहीत करून घ्यायच्या होत्या. काय काय? इतके दिवस तुम्हाला टीव्हीवर पाहायला लागलो. आमची आई तर तुमचा कार्यक्रम असला की आधी टीव्ही लावून बसती. आई पाहायला गु. बघा इतका साधा माणूस पाहिजे का नाही? बरं मला आता काही प्रश्न तुम्हाला विचारायचे, म्हणजे गप्पाच मारायच बसू आपण. विचारा. मला सांगा तुमचं म्हणजे बालपण कसं गेलं? म्हणजे बालपणापासूनच तुम्हाला हे विनोदी अभिनयाचा शौक आहे का विनोदी आहे तुम्ही? मी एकदा स्कूलमध्ये होता. हा. तो लहान मुलगा होता. हा. तो काय कॉपी करना नकल करना. हाँ. टीचर से तो हमारा मैथ का टीचर. हाँ. कैसा आता है कैसा पढ़ाता है हमको, साइंस का टीचर कैसा पढ़ाता है उनका कॉपी करने का. तो साथ के सगड़े खूब हंसने का. बाद में मेरा कंप्लेंट हो गया. हाँ. प्रिंसिपल साहब को कि वो भाई अपने टीचर लोगों का कॉपी करता है. प्रिंसिपल ने बुलाया कि क्या आए आपको शर्म नहीं आती है? अपने टीचर का नकल करते हो, मस्ती करते हो टीचर का है? यही तुमने सीखा, यही शिक्षा ली है? फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे को बताओ कैसे करते हो. मैंने उनको करके बताया तो प्रिंसिपल का गुस्सा गायब हो गया. अच्छा बराबर है बराबर. उनको हंसी आया है तो मुझे मैं समझ गया अभी ये मेरे को पनिशमेंट देने वाले नहीं है. हाँ. तो वो एक स्टार्टिंग था. और मेरे को याद आता है कि मुझे क्रिकेट कमेंट्री के लिए लेके जाते थे. अच्छा. अगर कॉलेज टू कॉलेज क्रिकेट मैच है तो मेरे को कमेंट्री के लिए जाते तो मैं उधर कमेंट्री एक्चुअल नहीं बोलता था, सीधा सीधा नहीं बोलता था. हाँ. जैसे कि उस प्लेयर का उस स्टूडेंट का जो वीक पॉइंट है वो. हाँ. मेरे को मालूम रहता है तो मैं ग्राउंड में बोल देता था माइक पे. अभी प्रकाश बॉल फेंकने को तैयार. प्रकाश पिछली HSC में फेल हो चुके हैं और इनको अभी इस बार भी अगर फेल होंगे तो कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे. लेकिन बॉल फेंकने को तैयार हो रहे हैं. इनकी ये गेंद अशोक ने ड्राइव किया, बहुत सुंदर ड्राइव किया. उसके पीछे महेश भाग रहे हैं. महेश दो बार कॉलेज से भी भाग चुके हैं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. तो उसका वीक पॉइंट सब बोल देते थे. और इस वक्त बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए गणेश इसमें 65 रन बना चुके हैं और अभी भी डटे हुए हैं. गणेश घर जा, तेरी आई तेरा राह देख रही. तो उधर से मेरे को लोग बैट ऐसे ऐसे करके दिखाते थे लेकिन लोग हंसते थे. तो मेरा सब बिगनिंग का मेरा हैबिट था. नंतर फिर जब होश संभाला तो बच्चन का पिक्चर देखा, दीवार जंजीर शोले देखा. तो अमिताभ बच्चन जैसा चलना डायलॉग ये वो सब कैसे आ गया अपने आप, यू कैन से दैट इज गॉड गिफ्ट. बरोबर. तो वहाँ सब कोई जूनियर अमिताभ बोलता था कोई बोलता था तो उतना समझ नहीं था, उतने में अपने को खुशी मिलता था. वो तो बाद में जब बहुत बड़े हुए तो बाद में मालूम पड़ा कि नहीं यार आदमी का अपना पहचान होना चाहिए. हाँ किसी को फॉलो किया उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए लेकिन स्वतःची पहचान. तुमचा मनुष्य म्हणजे आता तुम्ही मध्यंतरी एक सिरीज काढली होती की समजा एखादा भैया शोले पिक्चर पाहून आला तर काय करेल वगैरे, तर अलीकडच्या काळात असा एखादा पिक्चर पाहिलेला आहे का? म्हणजे आमच्या लोकांना फक्त एक तुमचं
अभी गजोदर भैया स्लम डॉग देख के आया है, स्लम डॉग फिल्म देख के आया गजोदर भैया। अब अपने सब गांव में सबको जमा करके स्लम डॉग का स्टोरी सुनाता है। ए गुप्ता, अरे बैठो। मिश्रा, यहाँ और बैठा। अरे बिड़िया जला तो। अरे कल सिनेमा देखा रहा, वह देखा रहा स्लम डॉग, अंग्रेज लोग जो बनाया है, आधे लोग अंग्रेज हैं वहाँ, आधे जो है अपने लोग भी काम किए हैं सब मिलके। अच्छा खेला दिखाया स्लम डॉग, स्लम डॉग अच्छा है, सस्पेंस पिक्चर है स्लम डॉग, स्लम डॉग में सस्पेंस बहुत है। 3 घंटे स्लम डॉग देखा मगर कुत्ता नहीं दिखाया। सस्पेंसफुल। एक जगह बहुत गंदा दिखाया स्लम डॉग, इतना फालतू दिखाया। वो छोकरा जो रहा वो दिखाया है जो है मतलब संडास में गिर जाता है, पूरे बदन में जो है वो शहद की तरह हनी की तरह लग जाता है, इतना गंदा दिखाया है। बहुत ऐसा हम तो दिमाग खराब हो गए है, फालतू दिखाया है। मगर जब हम देखे रहे कि छोकरा संडास में गिरा, हम वही टाइम का जोधर भैया से कह दिए ये फिल्म का ऑस्कर अवार्ड पक्का। हाँ, जब गंदगी दिखाता है भारत का, भारत का जब गरीबी दिखाता है तो समझो जितना बड़ा लोग है साहित्यिक लोग, पढ़ा लिखा लोग जो है उसको अवार्ड देता है। मगर एक जगह चीटिंग किया है, एक जगह कौन बने करोड़पति का ऐसा सब दिखाया है, तो वहाँ वो कंप्यूटर लिए ऐसे बैठे रहे, तो हम कहे यहाँ बच्चन जी होंगे, अमिताभ बच्चन करे रहे, तो मगर अमिताभ बच्चन को नहीं दिखाया है, चीटिंग किया है। उनकी जगह अमिताभ बच्चन की जगह दिखाया है बाल कलाकार, बाल कलाकार बैठे रहे। तो दूसरा हुआ, इसमें बाल कलाकार किधर है, वो तो अनिल कपूर है, वह तो बाल कलाकार, उनके पूरे शरीर में बाल हैं। अपनी फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े बाल कलाकार अनिल कपूर है। मगर बहुत सस्पेंस, कुत्ता नहीं दिखाया, हो सकता है पार्ट टू में दिखाएगा कुत्ता। ये अंग्रेज लोग क्या करता है, आखिरी में ऐसा कुछ जैसा छोड़ देता है, फिर जब दूसरा भाग बनाता है तो वहीं से शुरू करता है। तो हमें लगता है स्लम डॉग का जो पार्ट टू बनेगा तो कुत्ता से शुरू होगा। तो ये अभी छोटा स्केच किया हमें, अभी चालू है। शुरुआती काल तो एवढं यश नव्हतं, मग शुरुआती कालखंड कसा होता मुंबई मधला? शुरू में जब आपका नाम नहीं होता, आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी घर में, मान लीजिए परफॉर्म कर रहे हैं, उसका बर्थडे है, सेठ का बर्थडे है, सेठ बैठा ऐसे गिलास लेके पैक ऐसा डाल के ऐसा था, उसके दोस्त लोग बैठे, हाँ भाई शुरू करो, अच्छे सुनाना, ये सब बहुत सब बड़े बड़े लोग हैं, सुनाओ। हाँ ज़रूर, आइए दोस्तों, ऐसे करके अपन शुरू हो जाता। वहाँ उसका बच्चा जो उसका लाडला है, उसको 14-15 साल की मन्नत के बाद मिला है बच्चा, वो लाडला है, वो बच्चे को कई बार रोकते नहीं है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बच्चा मेरे मुंह पे आके अंकल आप ये सब क्या बोल रहे हो, अंकल आप क्यों बोल रहे हो सब, अंकल ऐसा आप कभी तक करोगे, अंकल बंद करो ना, बंद करो, मेरे को डांस करने का गाना लगाओ ना, बंद करो। और जिनका बच्चा है वो विस्की लिए, देखो पिंटू को देखो, प्रोग्राम करने नहीं दे रहा है, इतना होशियार है। पिछले हफ्ते गजल रखा था तो उसके हारमोनियम में बैठ गया था। मैं एक प्राइवेट फंक्शन में गया था प्रोग्राम करने, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, काका सबसे आगे बैठे डंडा लेकर ऐसे, पीछे उनका पूरा फैमिली पूरा खानदान बैठा हुआ, और कितने लोग थे काका के लिहाज में मैनर्स में, सब घूंघट में बैठी थी ऐसे। अब यहाँ तो घूंघट, उनको मेरा कार्यक्रम देखने का है। देखने का है मतलब उनको सुनने का है। बस वो ऑडियो के लिए आई है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, खाली उनके जब ये कंधे ऐसे ऐसे हिलते थे तो मेरे को लगता था कि इनको अच्छा लग रहा है, हंस रहे होंगी शायद। फिर मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया, फिर सुना रहा हूँ, फिर कुछ लोग हंसे, तमीज नहीं तुम लोगों को, अक्कल नहीं है, एक आदमी मुंबई से आया है, वो क्या बता रहा है उसकी बात को समझो।
उसकी बात को समझो, उसमें देखो उसने क्या अध्ययन किया है, क्या बता रहा है, है? उसे सीखने की कोशिश करो, जिंदगी का निचोड़ है। सुनाओ बेटा, कोई नहीं हंसेगा, सुनाओ। विनोदी नटाला असं असतं की तो मनापासून एखादी गोष्ट एखाद्या वेळेला सांगायला जातो आणि लोक तशी घेत नाहीत, ते त्यांना वाटतं हा विनोदच करतोय काय की किंवा विनोदीचा असा एखादा प्रसंग। बिलकुल वो हमने घर में ही फेस किया। एक दो बार जैसे मैंने अपनी मेरी वहनी है भाभी, भाभी को मैंने बोला कि सीरियस मुझे मतलब बुखार था, ताप होता, तो बोला भाभी ऐसा कुछ थोड़ा फीवर जैसा लग रहा है, बुखार लग रहा है, तो खाना मेरे लिए थोड़ा हल्का कुछ ऐसे खिचड़ी वगैरह बना देना, थोड़ा इच्छा नहीं हो रही ऐसे खाने के। तो वो मेरे बोले कि पहले बोलो ये एक्टिंग है कि सच्चाई है। तो फिर बताना, नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, आप देखो है प्रॉब्लम है। पण एखादा प्रसंग असा असतो राजभाऊ की खूप संकटात आहे सगळे आणि तिथं विनोदी नट एखादा असतो जो काहीतरी करामत करून जातो, तर असा काही एखादा प्रसंग किस्सा तुम्हाला आठवतो का? एक शो था हमारा अमेरिका में, उस समय जूनी बात है, जूनी गोष्टी है, वो ममता कुलकर्णी तब टॉप पे थी, तो आप समझ सकते हैं जूनी गोष्टी। साथ में रितु शिवपुरी आणि सिंगर सुखविंदर आणि अभिजीत भट्टाचार्य, ये सब लोग थे। तो आर्टिस्ट पहुंच गए प्रेक्षागृह में, म्यूजिशियंस ने इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, कर्टन पड़ा हुआ, गेटकीपर ने ऑडियंस को छोड़ दिया अंदर, ऑडियंस आके बैठ गई लेकिन साउंड वाला नहीं आया। तो क्या करे, वो जो शो प्रमोटर था तो पहले ममता कुलकर्णी के पास गया, बोला कि आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा ऑडियंस में आके हाथ हाथ दिखा के उनको बोलो कि भाई हमको थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा 20-25 मिनट आधा घंटा दे दो, हम लोग अल्टरनेट साउंड सिस्टम अरेंज कर रहे हैं। ममता ने बोला कि नहीं भाई, अभी हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम एक बार ऑडियंस में आ गए तो हमारी एंट्री तो बाद में रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, एंट्री एंट्री चली गई, हम तो एक्सपोज हो गए। बरोबर। सुखविंदर ने बोला नहीं बाबा, माइक नहीं है तो मैं क्या बात करूँ, मेरा काम है गाने का, अब माइक दो मैं गाना गाता हूँ। बरोबर। उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो ऐसे में मैंने उसको ऑफर किया प्रोमोटर को, कि मैंने बोला कि आप कर्टिन खोलो, मैं परफॉर्म करता हूँ वाह विदाउट माइक। तो हमने कहा देखेंगे, अगर फ्लॉप हो गया या नहीं जमा तो हम बोलेंगे बाबा माइक नहीं था, और अच्छा हो गया तो बोलेंगे कि फिर तो अच्छा ही अच्छा है। मैं कलाकारी अच्छा कलाकारी। तो मैं आके पूरा ऐसे ताली बजा के तमाशा में जैसे करते ना, सड़क पे तमाशा दिखाता, ऐसे आवाज़ ऐसे ऐसे करके शांत करके, छोटा ऐसे ऑडिटोरियम था खूबसूरत से, तो आवाज़ जा रहा था। फिर मैं जंप करके थोड़ा ऑडियंस में आ गया, वहाँ से चिल्ला चिल्ला के सब कुछ विनोदी शेर ये वो, कुछ कॉमेडी, कुछ जोक, कुछ क्रिकेट का, कुछ बच्चन का, कुछ ये सब कॉपी किया दिलीप कुमार और ये सब करके मैंने निकाला कुछ 40 मिनट्स बर। फिर पीछे से मेरे को सिग्नल दिया उन्होंने इशारे से, जहाँ मैं खड़ा था कर्टन के पीछे से ऐसा ऐसा मैं ऐसे घूम के देखा तो साउंड आया। तो फिर वो आफ्टर शो ही ऑफर्ड मी सम एक्स्ट्रा मनी, शो प्रोमोटर बोले नहीं ये तो तुम्हारा शो का इन्वेलप है और ये दूसरा इन्वेलप जो तुमने वाह वाह संभाला। तो मैं बोला नहीं मुझे इसका नहीं चाहिए, तो करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए। मला सांगा राजभाऊ, या सगळ्या प्रवासामध्ये एखादा सुखाचा किंवा दुःखाचा असा प्रसंग आहे का की ज्याने तुम्हाला आयुष्याबद्दलच मार्गदर्शन केलं किंवा तो तुमचा टर्निंग पॉइंट आहे असू शकतो किंवा त्याने तुमची वेगळेच डोळे उघडले असा काही एखादा प्रसंग घडलाय का? रूप की राणी चोरों का राजा फिल्म का म्युझिक रिलीज फंक्शन था नागपूर में। बर बर बर। और बारिश का टाइम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हम लोग सब विमान में थे, हम लोग आ रहे थे नागपुर टू मुंबई, अचानक बिजली कड़की और 1,000 फुट अरे बाप नीचे फ्लाइट जाता था, फिर ऐसे ऊपर संभालता था, फिर ऐसे जाता था, फिर ऐसे एक्सट्रीमली पूरा हम लोग ऐसे जा रहे ऐसे हो रहे, सबकी हालत ख़राब। और पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, सब कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी आप लोग जो भी ये प्रेयर वगैरह करो। अरे बाप रे। हाँ, जिसका जो जिसको जो मानते हैं थोड़ा देवा का नाम लो,
तो सब ऐसे टेंशन में, एसी फ्लाइट के अंदर एसी तो होते ही है, मैं देखा श्रीदेवी इधर पसीना आ रहा है, इधर अनिल कपूर के इधर सब ऐसे, और सब कुछ लोग ऐसे सर पकड़ लिए, कुछ लोग ऐसे आँख बंद किए हुए थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि जो होगा तो उसमें मैं रोक तो सकता नहीं, तो अब सडनली मैं फ्लाइट का मालिक बन गया, ऑनर, एक एक पैसेंजर बोल रहा हूँ, हाँ आपका पसीना बहुत आ रहा, अच्छा अच्छा हाँ आप ये पूछ लीजिए, बर्फ़ हाँ आपको दे रहे हैं, ये भाई साहब प्लेन हम 1987 में ख़रीदा था, 1987 बहुत महंगा प्लेन रहा, ये पूरा हमारा भाजी का धंधा, भाजी बेच बेच के प्लेन खरीद, थोड़ा पतरा निकल गया है, ये पतरा में इधर कलर मारना है, ये पूरा प्लेन और साथ साथ ऐसे चल रहा है, और साथ साथ मेरा कमेंट्री चल रहा है, जिसको मैंने देखा ये मारवाड़ी भाई जी थे, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, बस प्रभु की लीला है, बट कुछ कुछ को नहीं कर सकते, पानी दूँ के पानी में ला कर पानी दूँ, वो तो चले और देखो मैं जो जहाज चला रहे हो मारो सालो है, मारो सालो जहाज चलो, जो पीछे जो पानी बाट पानी दे रही है, जो पानी दे रही हमारी साली है, तो मैं मियाँ बीवी मिलकर पूरा प्लेन 3 दिन में तैयार किया, कील रात रात में ठोके, वो कलर की, वो थोड़ा संभाल लियो, अब थोड़ा पतरा उतरो निकल के ठीक करना पड़ेगा, प्लेन ऐसे चल रहा और मेरे कमेंट्री चालू, मद्रासी जो करेक्टर बैठा था मद्रासी बैठे, ये ऐसा कुछ खबर है नहीं, ये तो हो जाता है, कभी कभी होते हैं बाद में ठीक भी होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी तो कैसे कितनी बार हो गया, कितनी बार होते हैं, ऐसे होएगा 3-4 बार ऐसे पलटी होएगा बाद में लैंड होता है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा मेरा पूरा नॉन स्टॉप ऐसा भंकस चालू था, हाँ। चालू 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 करके, और जो ऊपर चेयर के ऊपर जो लगे रहे थे ना एयर के और बेल वगैरह लगे रहे थे, वो बेल वेल मैं ऐसे बजा बजा के ऐसे बोलता था, हाँ हाँ सीधा उठाओ प्लेन, हाँ नीला बटन था वो, बाएं बाएं काटो, हाँ नीचे रहो, हाँ देखो सामने दूसरा प्लेन आ रहा है, हाँ संभालो, हाँ उतारो धीरे धीरे उतारो, धीरे धीरे उतारो, हाँ अब गियर लो, हाँ गियर उठाओ उठाओ, बहुत अच्छे सब हो रहा, सब ठीक हो जाएगा, करते करते हम लोग मुंबई ऐसे धीरे 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 करके लैंड, जब प्लेन ऐसे रुक गया तब भी पूरे प्लेन में ऐसा लगा प्लेन खाली है, कोई नहीं है, सब ऐसे नो बडी बिलीविंग कि हम सब जिंदा है, सब पूरे प्लेन में ऐसा सन्नाटा है, चुपचाप बैठे, फिर सडनली गेट खुला, फिर आपस में एक दूसरे को कौन है यार वो लड़का, कौन है, कॉमेडियन है ऐसा अनिल कपूर मेरे पास, अरे तुमने तो कमाल कर दिया एकदम छकास करके मैं भी आके, फिर जहाँ सामान के लिए लगेज के लिए बेल्ट के पास खड़े थे उधर आके पूरा गर्दी हो गई, कोई हाथ मिला रहा है कोई ये मिल रहा है, तो मैं भी थोड़ा तो घबर भी रहा हूँ, ऐसे क्या होगा, लफड़ा नहीं हो जाए, होते होते मैं घर आ गया, घर आया दूसरे दिन सुबह मुझे बप्पी लहरी जी का फ़ोन, अनिल शर्मा का फ़ोन, वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम ए राजू तुम काल प्लेन में क्या किया रे, तो मैं सोचा साला इंडियन लाइन से मेरा कंप्लेंट हो गया लगता है, तो मैं बोला कुछ नहीं ऐसा कुछ जोक वगैरह बोला ऐसा कुछ नहीं, अरे तुम्हारा तारीफ है, तुम्हारे लिए इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है, तुम पेपर मंगाओ, पेपर में देखा तो पूरा इतना बड़ा राइटअप मेरी तारीफ में, तो ये याद है मेरे, म्हणजे मृत्यूला सुद्धा आपल्या विनोदी शैलीमध्ये परत जायला लावणारा अवलिया कलावंत ज्याला आज आपण भेटलो, बघा विनोदी कलावंत असाच असतो। पु ल देशपांडेंनी एक छान वाक्य त्यांच्या एका हसवणूक नावाच्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हटलेलं आहे की जन्म आणि मृत्यू या दोघांच्या चिमटीत पकडून नियतीनं आपली चालवलेली फसवणूक एकदा लक्षात आली की आपण आपल्या आसपासच्या आपल्यांशी प्रेमाने वागणाऱ्या स्नेहांकितांना हसवण्यापलीकडे काय करू शकतो। तर खरोखरीच आज आपण एका अशा अवलियाला भेटलो ज्यांनी स्वतःच्या आयुष्याच्या दुःखद भागाबद्दल काहीच सांगितलं नाही, काहीच भाष्य केलं नाही, या उलट ते स्वतः खूप स्पोर्टिंगली म्हणजे खिलाडू वृत्तीने तोही आयुष्याचा भाग स्वीकारला आणि सगळ्याच गोष्टीत विनोद शोधत शोधत आजही प्रेक्षकांना हसवण्याचा वसा कायम ठेवलाय। त्याचा हा वसा म्हणजे तो उतू नये मातू नये आणि हसवण्याचा त्यांनी घेतलेला वसा परत टाकू नये यासाठी आपल्या वतीनं एक चिरंतन भेट आपण त्याला देऊया। आणि त्याच्या काय बरं आता उघडतोच द्या ना, म्हणलं हे आमचं महाराष्ट्राचं एक लोकवाद्य तुंतुणं। अरे बापरे।